एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो माय स्वीट फैमिली? उम्मीद करती हूँ गाइज अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो गया है गाइज डिनर का टाइम और मैं अभी तक चाय भी इवनिंग का नहीं पी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं एक साइड चाय चढ़ाई हूँ, एक साइड मेरे कढ़ाई चढ़ा है सब्जी बनने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्जी। तो यहाँ पे परवल कट कर ली हूँ, यहाँ पे आलू उबाइल करके रखी हूँ क्योंकि उबाइल किया हुआ थोड़ा सा मसाला सही मतलब मसाला सा बनता है तो अच्छा लगता है, इसलिए बॉइल की हूँ। यहाँ पे आया है आज आलू एंड प्याज। आलू और प्याज घर में ख़त्म हो गया था तो आलू और प्याज आया है इवनिंग के टाइम में। और आज मैं ब्लॉगिंग इवनिंग के टाइम में कर रही हूँ क्योंकि अभी कुछ काम था, इस वजह से मैं काम में बहुत ज़्यादा लग गई थी तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और इतना तक कि मैं इवनिंग का चाय तक भी नहीं पी हूँ काम की वजह से, ओनली ससुर जी को बनाकर दे दी थी और मैं छोड़ दी थी। तो अभी अपना चाय बना रही हूँ क्योंकि आदत सी पड़ी है तो सिर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है चाय की वजह से। तो यहाँ पे एक साइड खाना भी बना रही हूँ, चाय भी बना रही हूँ। तो गाइज आप लोग के लिए एक सरप्राइज है, वो मैं दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो आप लोग प्लीज ब्लॉग में बने रहना। और आज मैं अपना सपना पूरा की हूँ, बहुत दिन से ये सोच रही थी वो सपना आज मैं पूरा की हूँ तो आप लोग को दिखाऊंगी। तो प्लीज आप लोग वीडियो स्किप मत करना, फुल वॉच करना। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, तो सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं और बहुत लोग सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, सब्सक्राइब ना करें। तो गाइस हमारा दो कान एक साथ पूरा देख सकते हो आप लोग। और बच्चे कर रहे हैं अभी पढ़ाई, बच्चे को लालच दी हूँ तो इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखती हूँ सौम्य का चल रहा है एग्ज़ाम। बट सौम्य पता नहीं बहुत ज़्यादा अपने डैडी के जाने के बाद पता नहीं वो चीज़ माइंड में ये सोचते रहती है क्या करती है मुझे नहीं पता। पर मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में, स्कूल में अपनी टॉप आती थी, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड पर आ ही जाती थी। अभी तो इसको कुछ भी माइंड में मतलब लर्न ही नहीं होता है, याद ही नहीं करती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ट्यूशन वाले भी टीचर परेशान हो गए हैं। और रिजल्ट भी इतना बताया था तो पिछले बार बताया था तो मैंने सोची थी थोड़ा सा फर्क पड़ता है क्योंकि हरियाणा में पढ़ती थी और बिहार का सिलेबस है वो टफ है। बट नहीं, ये मतलब इग्नोर कर रही है उस चीज़ को, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रही है बिल्कुल। और कौन है नानू का कॉल है? अच्छा ठीक है, दादी मुझे समझा रहे हैं। ठीक है, याद करो फटाफट, कल एग्जाम है ना? हाँ। तो याद करो सारा। प्रियांशु तुम्हारा कल एग्जाम नहीं है? हो गया। आज हुआ? आज किस चीज का था? हिंदी का। कैसा गया? ठीक, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ओनली हिंदी का ही था? हिंदी और साइंस, हिंदी में बस एक क्वेश्चन छोड़ दिया। एक क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया? तो गाइस चलिए मैं मिलती हूँ आप लोग से, थोड़ा सा चाय होती लेती हूँ, माइंड फ्रेश कर लेती हूँ क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा पेन होते रहता है। मेरा तो सिर में पेन ऐसे भी होता है बट थोड़ा सा चाय पी के रिलैक्स फील होता है तो थोड़ा सा मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। तो गाइस मैं आंटी जी की तरह लग रही हूँ ना। तो गाइस मेरा फाइनली खाना पीना बन गया और देख सकते हो सब्जी भी यहाँ पे बन गया है। सब्जी यम्मी यम्मी खुशबू आ रही है इसमें से, जवाब नहीं बना होगा। खुशबू अच्छी आ रही है तो सब्जी भी अच्छी बनी होगी। ढक देती हूँ, थोड़ी सी गरम मसाला ऐड की हूँ और यहाँ पे मेरा दूध गरम हो रहा है और यहाँ पे रोटी बनाई हूँ। तो रोटी देख के प्लीज़ आप लोग हंसिएगा नहीं क्योंकि मुझे रोटी अच्छे से नहीं बनाने आता है। यहाँ पे बनी है रोटी, रोटी मेरे हस्बैंड मेरे से अच्छे बनाते थे, बहुत सुंदर गोल गोल पतले पतले बेल के, और एक बार में बहुत सारा बेल लेते थे, सीखते जाते थे क्योंकि इवनिंग के टाइम में मैं कभी अकेले खाना नहीं बनाती थी, वो रहते थे साथ में, हम दोनों साथ में ही मिलकर खाना बनाते थे। तो सॉरी मैं जुड़ा कर रही हूँ तो बड़ा गंदा दिख रहा है फेस, आगे से चिपकू चिपकू सा हो गया। तो रोटी हम दोनों साथ में मिलकर वो बेलते थे, मैं सेकती थी, बहुत लाड करते थे, सारा चीज़ छोड़ कर चले गए। आज बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है,
और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कपड़ा रखा हुआ है, इसे भी फोल्ड करूँगी। और यहाँ पे सर एक कर रहे हैं पढ़ाई, तो अब आप लोग को दिखा नहीं देती हूँ सरप्राइज। बहुत करवा ली वेट आप लोग को, अब ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगी। यहाँ सॉरी लाइट कम है थोड़ा सा। तो गाइज यहाँ पे मैं सेट करवा रही हूँ वाईफाई, देख सकते हो आप लोग वाईफाई सेट हुआ है आज मेरा, और टीवी भी चल रहा है वाईफाई से। तो हमारे बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब कार्टून चला था तो दोनों बहुत खुश हो रहे थे, जंपिंग कर रहे थे। तो मुझे भी नेट का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि 2 GB देता था और मुझे एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाना पड़ता था। क्या मुझे एक्स्ट्रा रिचार्ज भी करवाना पड़ता था, तो मुझे ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ रहा था। तो मतलब ऐसे ही एक बैनर पे लगा कर गए थे भैया, तो उनसे बात की थी, तो वो भैया मतलब मूड नहीं था, क्योंकि कल फ़ैन खरीदी थी, उसके बाद मेरा मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा पॉकेट इतना अलाउ नहीं करता है कि एक मंथ में इतना खर्च करूँ। बट फिर सोची कोई बात नहीं, धीरे धीरे अकाउंट का लेवल ला लूँ, ले आऊँगी, सॉरी ले आऊँगी। और जॉब का भी अभी मेरा कुछ मतलब कंफर्म नहीं है कि रहेगा ही। ये ऐसा जॉब है ना कि पर मंथ पॉलिसी का सिस्टम है, और वो नहीं, फील्ड वर्क मेरे से नहीं हो पा रहा। इसमें है कि फील्ड वर्क कीजिए आप, लोगों से कांटेक्ट कीजिए, और वो चीज़ मेरे से नहीं होता है, क्योंकि जो मेरी लाइफ में मेरे साथ हुआ उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो ओनली ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस जाने के बाद कॉल पर जो एक दो लोग से बात होता है वही मेरा हो पाता है, मैं किसी से जाकर नहीं मिल पाती हूँ। इस वजह से मेरा जॉब मतलब अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इसमें जो लेडीज फील्ड वर्क करती हैं, जाके कांटेक्ट करती हैं, कस्टमर से मिलती हैं, और कस्टमर तो राइट हमारे पास नहीं आएंगे, वर्क मैं कर रही हूँ तो मुझे ही कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, तो वो मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन मेरा ये जॉब चलेगा। फिर देखती हूँ स्कूल स्कूल को ज्वाइन करूँगी, और मेरा तो माइंड प्लानिंग करता है कि यहाँ से मैं निकलूँ, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत रफ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हैं। पर देखती हूँ क्या आगे का क्या प्लानिंग होता है, वो तो जैसा भी होगा आप लोग को हर चीज़ में शेयर करूँगी। तो आज मैं अपने सपने का उड़ान भरी, बहुत दिन से वाईफाई के लिए सोच रही थी, बहुत दिन से, क्योंकि जब मेरा नेट ख़त्म होता था ना, मैं बहुत सोचती थी कि मैं वाईफाई लगवा लूँ, क्योंकि मेरा रेट वहीं पड़ जा रहा था और टीवी भी नहीं चल पा रहा था, इसकी वजह से टीवी रिचार्ज नहीं करवा पा रही थी। और ये है कि अब थोड़ा बहुत इन लोग कार्टून्स भी देख लेंगे, माइंड फ्रेश हो जाता है, दिन भर बच्चे वो भी हो रहे थे। और बट हाँ, टीवी जब चलेगी, जब सोमया का एग्ज़ाम फाइनल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही टीवी ज़्यादा चलेगी, अभी तो टीवी ज़्यादा नहीं चलाऊँगी। तो कैसा लगा आप लोग को सरप्राइज, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ओके, और ये स्माइल है ना आप लोग की वजह से आता है मेरे फेस पे, नहीं तो बहुत लोग मुझे नीचा गिराते हैं, बहुत मैं उस चीज़ को सोच सोच के नीचे जाती हूँ। आप ही लोग मेरा हिम्मत हैं, धाड़स हैं, कितने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बेटा आप खुश रहो, बेटा आप ऐसे रहो। और बहुत हमारे जैसी लेडीज हैं कि हमारे चैनल पर जुड़ी हैं, वो भी कहती हैं दी क्या करोगे, सिस्टर क्या करोगे, हमारा भी लाइफ ऐसे सेम है, बट हम जी रहे हैं बच्चे के लिए, जी रहे हैं। तो मुझे बहुत धाड़स मिलती है उन लोग को कमेंट पढ़ पढ़ के, तो थैंक यू आप लोग को दिल से थैंक यू, इतने अच्छे अच्छे कमेंट और इतना मुझे प्यार देने के लिए। मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि मुझे आप लोग इतना प्यार दोगे, एक धरती पे प्यार करने वाले ये थे, इन पे कमेंट करती थी, अब ये चले गए, बट आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, दिल से थैंक यू। मैसेज नहीं, उसमें लाइट नहीं जल रहा है, अच्छा पीछे के साइड जल रहा है ना, इसलिए नहीं आ रहा है। बाहर का तार टाइट कर दिए थे भैया, करते हैं बहुत लोग हैं, फिर मुंह पे तो कोई नहीं करते हैं, बट आगे पीछे बहुत लोग करते हैं।
तो एक छोटा सा पॉइंट है कि कभी किसी की मजबूरी पे मत हंसा करो। कोई भी मजबूरी खरीद कर नहीं लाता है। कोई नहीं सोचता है यार कि मतलब मैं ऐसा लाइफ जीऊँ, मेरे साथ लाइफ में ऐसा हो। कोई भी अपना पार्टनर को खोकर खुश नहीं रहता है, बट क्या किया जाए, जबरदस्ती खुश रहना पड़ता है। किसी को भी शौक नहीं लगता है कि मैं अपने पार्टनर को खोकर खुश रहूँ। और जो पार्टनर अच्छा हो, मतलब ऐसा भी तो नहीं है कि पार्टनर मेरा ऐसे हैं कि भाई बीबी को मार रहे हैं, बच्चे को लगाव नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पार्टनर ऐसे नहीं थे। हमारे पार्टनर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अभी भी मतलब कभी कभी मैं ज़्यादा टेंशन में हो जाती हूँ ना, तो वो सपने में आते हैं। ऐसे तो मैं सपने नहीं देखती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, बट ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है, बहुत ज़्यादा रोती हूँ रात में, तब ऐसे लगता है कि वो तो हैं, तो बहुत बुरा लगता है। बहुत उनकी यादें आती है, हद से ज़्यादा याद आती है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा हुआ। कितना भी खुश होने की कोशिश करती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, खुश भी रहती हूँ, बट उनकी यादें तो हमेशा खलती है ना। उनकी यादें कभी भी मेरे माइंड से नहीं निकल सकती है। तो गाइस चलिए, खैर अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सुना दी बड़ा जल्दी ना, सुना दी सारे। और आप याद कर लीजिए। और जीके का याद है पूरा? कल किस चीज़ का एग्जाम है? जीके और ये साइंस का ना याद है? जीके का साइंस। तो गाइस फाइनली मैं लेती हूँ आप लोग से अलविदा। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंड अभी गुड नाइट हो रहा है। वीडियो तो मॉर्निंग में जाएगी, आप लोग सोचेंगे सीधा नाइट में शूट करती है, मॉर्निंग में डालती है, तो बस आप लोग सपोर्ट करो श्वेता का। श्वेता का लाइफ आप लोग उजाला कर सकते हो, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो। एंड बाय बाय।